नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। चोट के चलते विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। जी हां, साहा की जगह 8 साल बाद एक विकेट कीपर टीम में वापसी कर रहा है। आपको बता दें कि ये विकेट कीपर 8 साल बाद टीम में शामिल हो रहा है। आखिरी बार इस विकेट कीपर ने मैच 2010 में खेला था। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने टीम में वापसी की है। दिनेश कार्तिक आखिरी बार टेस्ट मैच 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेलते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अब 8 साल बाद उनकी टीम में वापसी की गई है। BCCI ने मंगलवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि रिद्धिमान साहा के चोटिल होने की वजह से उन्हें रेस्ट पर भेजा गया है और इनकी जगह पर दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को ट्रेनिंग के दौरान साहा को बाएं हाथ के कंधे पर चोट आई थी, जिसकी वजह से वो अभी फिट महसूस नहीं कर रहे और वो मैच नहीं खेल पाएंगे। BCCI मेडिकल टीम साहा को मॉनिटर कर रही है, लेकिन फिलहाल दिनेश कार्तिक साहा की जगह खेलेंगे। अब देखना ये होगा कि दिनेश कार्तिक का 8 साल बाद टीम में शामिल होना कितना फायदेमंद साबित होता है टीम इंडिया के लिए।